गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना विषय रहेगा राग माल को उसकी स्वरलिपि। राग माल कोश में द्रुत ख्याल मतलब छोटा ख्याल गाने के बारे में और उसको कैसे लिखा जाए, कागज में किस प्रकार लिखा जाता है। पहली वीडियो में यही बता रहा था, आज ही वीडियो में यही बातें हैं कि जो स्वरलिपि है, जो द्रुत ख्याल है, उसको कागज पे कैसे उतारा जाता। ये प्राचीनतम शैली जिनको बंदिश कहा जाता है, म्यूजिक की भाषा में बंदिश कहते हैं, और स्वरों की एक लिपि तैयार कर दी, एक अलग से लिपि बना दी स्वरों का, ऐसे ऐसे बना करके इस ताल में यहां से स्टार्ट होगा, यहां से यह गायन समाप्त किया जाएगा। तो राग माल को इसके परिचय में पहली बात है, इसको मालोपरांत से उत्पन्न राग होने के कारण इसको मालकोश कहते हैं, मालकोशी कहते हैं, मालकंस कहते हैं। लेकिन दूसरे शब्दों में एक बार ये भी कहा जाता है कि राग मालकोश भगवान विष्णु ने गाया था। और राग मालकोश के बारे में एक कहावत होती है कि अगर इस राग को सिद्ध करके गाया जाए, राग मालकोश को सिद्ध करके गाया जाए, तो कहते हैं पत्थर भी पिघल जाते हैं। ऐसा राग मालकोश के बारे में किंवदंतियां हैं, सुनी गई हैं। तो राज राग मालकोश की स्वरलिपि, जिसमें मैंने आपका स्वयं बचाने के लिए पहले लिखा कि मालकोश द्रुत ख्याल तीन ताल मध्य है। जब तक आप कोई भी स्वरलिपि लिखते हैं, कागज पर उतारते हैं, तो उससे पहले उसका ये सब बताना पड़ेगा कि ये जो आप द्रुत ख्याल गा रहे हैं कौन सी ताल में है। 16 मात्रा मैंने इस पे लिख रखी है, तो 16 मात्रा का मतलब 16 मात्रा तिलवाड़ा ताल में भी होती है और 16 मात्रा तीन ताल में भी होती है। तो इसमें तीन ताल क्यों प्रयोग की जाती है, क्योंकि तीन ताल ऐसी कि जो तीनों लय में गाई बजाई जाती है, प्रयोग भी की जाती है। विलंबित लय में भी तीन ताल को बजाते हैं, मध्य लय में बजाते हैं, द्रुत लय में बजाते हैं, लेकिन तिलवाड़ा ताल के साथ ऐसी बात नहीं। तिलवाड़ा ताल सिर्फ विलंबित लय में प्रयोग की जाती है, इसलिए तिलवाड़ा ताल नहीं है, यह तीन ताल, इसलिए यहाँ पे देना पड़ेगा तीन ताल और लय कौन सी, मध्य लय। साथ में जो इसकी सथाई है उसके बारे में आज बात करेंगे। सथाई में लिखा हुआ है कि मुख मोर मोर मुस्कात जात अति छबीली नार सनिकर शिवा। यहाँ पे मुख मोड़ मोड़ के है, क्योंकि तो म्यूजिक में कई बार ये चलते हैं रे के बारे में, भाषा दूसरी है, ब्रज भाषा अवधी भाषा प्रयोग की जाए तो ये शब्द आ जाते हैं मुख मोर मोर। मुख मोर मतलब मुख मोड़ मोड़ मुस्कात जात। इसमें राग मालकोश में ध्यान रखना पड़ेगा, राग मालकोश में सबसे जरूरी बात है कि इसमें ग ध और नी, ये तीनों स्वर इसमें कोमल प्रयोग किए जाते हैं। साथ में इसमें वर्जित रे व प, ये दो स्वर जिनका प्रयोग नहीं करना, इसलिए वर्जित स्वर है रे और प, ये आरो औरो में पूर्णतः वर्जित होते हैं। और इसमें गय ध्वनि का ध्यान रखना पड़ेगा, जहां भी गय ध्वनि आएंगे उनको कोमल करना पड़ेगा, रे और प का इसमें प्रयोग वर्जित है। तो यह जो ख्याल है ये सातवीं मात्रा से शुरू है, तो सीधी सी बात है सातवीं मात्रा से शुरू है, तो आखिर में जाके जब समाप्त होगा, अंतरा के बाद समाप्त होगा, तो छठी मात्रा पे ये गायन समाप्त हो जाएगा। तो आज बस करें सिर्फ सथाई, सथाई जिसको बार बार गाया जाता है, बार बार जिसको रिपीट किया जाता है। स्टार्ट होती है मैं, इसका राग का वादी स्वर है मालकोश का, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई भी गायन उसके वादी स्वर से शुरू किया जाए। प्राचीन समय में होता था ग्रह स्वर, ग्रह का मतलब जहां से कोई गायन आरंभ किया जाता है, और न्यास के स्वर जहां पे गायन समाप्त किया जाता है, अंश स्वर को वादी स्वर कहते हैं। लेकिन ये वादी स्वर से स्टार्ट है, मैं गय मैं गय सा नी सा, इसमें गय जहां भी कोमल आए, इसमें ये वाला नी मंद्र शब्द का प्रयोग है, मैं गैसा नीसा, और फिर यहाँ पे ध नी, ये दोनों मंद्र शब्द के प्रयोग किए जाते हैं।
स्क्रीन के नीचे बिंदु प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें क्या देखना है, जहां भी आ की मात्रा है, जहां भी आ की मात्रा है और ओ की मात्रा है, उसके सामने अवग्रह आएगा। मुख, मुख, अब यहां आएगा मोर, मो, ये ओ की मात्रा ही गुरु मात्रा है, इसलिए इस राग में ये आगे वाला स्वर इसी मो के, मो का उच्चारण होगा गय और मैं तक, इसलिए यहाँ पे अवग्रह प्रयोग किया जाता है। ये एक तरह से आलाप का ही सिंबल है गाने। मुख मो रे, फिर आएगा फिर मो और फिर यो की मात्रा, इसलिए इसके अवग्रह मुख मो रे मोर। अब इससे अगले आएगी मुस, क्योंकि इस पे दो ही शब्द आ पाएंगे, इसलिए मैं और से, मैं के साथ उनकी मात्रा, इसको ही प्रयोग किया जाएगा मु से। अब इससे आगे की स्वर लिपि देखेंगे, मैं गैसा नीसा धैनी, इसको बोल के अगर याद किया जाए तो बहुत सिंपल है। मैं गैसा नीसा धैनी सा सा गै गै, धैनी हो जाएगा सा सा गै गै मैं और ये मैं। साथ ही से शुरू किया था हमारी ये लाइन, छठी मात्रा पे समाप्त हो रही है, इसमें गै गै दोनों ये मध्य सप्तक के स्वर होते हैं, इसलिए इसमें कोई चिन्ह प्रयोग नहीं करे सा के ऊपर। तो इसको बोला क्या जाएगा, मैं गै सा नी सा धैनी सा सा गै गै मैं गै सा नी सा धैनी सा सा गै गै मैं, एक लाइन पूरी हो जाती है। अब वो पीछे के जो शब्द इसके नीचे हमें लिखने थे, इन स्वरों के नीचे उनको लिखेंगे। मुस का यहाँ पे आएगा का आ की मात्रा, इसलिए इसमें इससे आगे वाला अवग्रह हो जाए मुस्का तय, मुस्कात ये पूरा शब्द हो गया, मुस यहाँ पे आ गया, मुस्कात हो गया। अब इससे अगले जात है, तो यहाँ पे इस गय के नीचे जा शब्द आएगा और जा से अगला अवग्रह होगा। अवग्रह क्यों होगा, क्योंकि ये इसमें आ की मात्रा है, गाते वक्त गाने वाला गय से मैं तक जा की आवाज निकालते आएगा, जाते जा। अब ये एक अपने इसकी ये जो एक लाइन है ऊपर वाली से थाई की कंप्लीट हो गई। मैं गै सा नी सा धैनी सा सा गै गै मैं गै सा नी सा धैनी सा सा गै गै मैं मुख मोर मोर मुस्कात जाते। अब दूसरी लाइन इसके आगे अगर सुंदर बनाना है तो इसके सामने वाले पूरा छोड़ दें और इसके सामने जो जगह बचती है उसको कंप्लीट छोड़ देनी चाहिए सारा, ताकि इसमें अलग अलग पहचान में आ जाए। दूसरी लाइन यहाँ से, दूसरी लाइन अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो दूसरी लाइन है इसमें ये एस टीजी पूरा कॉलम सथाई में, मैं और आखिर यहाँ भी मैं जाएगा। अब ये आएगा इसमें यहाँ से फिर मैं आ जाएगा, ये सातवीं मात्रा मैं, फिर ये गै मैं एस टीज, मैं गै मैं। अब क्या है, इस राग में मालकोष राग में धैनी मंद्र सप्तक के धैनी को बहुत बार प्रयोग किया जाता है, इसमें केवल 5 स्वरों का प्रयोग है, इसके जाते उड़ा उड़ा, इसलिए यही स्वर इस राग में पूरे में घूमते रहेंगे। तो मैं गए मैं धैनी, क्या होगा इसमें धैनी, इन स्वरों को साथ में इनको कोमल भी कर देंगे, मैं गए मैं और साथ में धैनी, और फिर इसके बाद आएंगे सा, 4 बार सा आएंगे, सा 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 सा, ये सारे सा तार सप्तक के होंगे। मैं गे मैं धैनी सा सा, अब फिर यही धैनी यहाँ पे आ, अब लास्ट में यहाँ इसके नीचे हम पहले अपने लाइन लिखते हैं अति छबीली नार छबी, क्या लिखेंगे इसमें, अति छबीली यहाँ है अति, ये छबी अति छबीली नार, यहाँ पे क्या आ गया अति छबीली नार, इसलिए यहाँ आ की मात्रा है, इसलिए जैसे इसमें यहाँ पे आ की मात्रा थी आगे वाला खाली, जा की मात्रा यहाँ से तो ना आ की मात्रा आगे वाला खाली, ना शब्द नीचे लेकर ही सा तक बढ़ जाएगा, अति छबीली ना रे
फिर यहां पे आ जाएगा चबी। ये दो यहां तक कवर हो गया, अति चबीली नार चबी। अभी कर श्रृंगार इसमें कवर कर देंगे जो आगे इस तरफ लिखी है। आगे इसमें तरफ स्वर क्या आएंगे, योगा मैं गया मैं दैनी सा सा सा, फिर ये दैनी यहां यहां और फिर यहां आखिर में धनी धनी धै मैं। इसमें ये आएगा बार बार रिपीट किया जाता है त्रिकोमल धनी धै मैं, और फिर ये समाप्त कर देंगे इसको मैं के साथ। ये सातवीं मात्रा के स्वर हैं और ये वाले छठी मात्रा के स्वर। सली कर श्रृंगार इसमें कर यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे रह आएगा, और इसमें ये श्रेय श्रेय, और ये साथ में गा ऊपर इस पे श्रृंगार गा है तो यहाँ खाली मात्रा और ये कर श्रृंगार। तो ये सथाई हमने सातवीं मात्रा से आरंभ किया था, सातवीं मात्रा से आरंभ किया तो सथाई छठी मात्रा पे समाप्त हो गया। इसमें इन स्वरों को सभी को बोल बोल के अगर गाया जाएगा तो बहुत अच्छी रहेगी। से मैं गय सा नी सा धैनी सा सा गय गय मैं, एक लाइन पूरी होगी। मैं गय सा नी सा धैनी सा सा गय गय मैं। फिर ये एस डीज है मैं गय मैं, यहां तक ये पूरा पाठ सेम है। मैं गय मैं धैनी सा 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 मैं गय मैं धैनी सा 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 सा, चार बार सा सा, क्योंकि एक विभाग में चार मात्रा है इसलिए इस विभाग में सा सा सा। फिर इसको धैनी धैमे मैं इसी के ऊपर इसको समाप्त कर दिया गया यहाँ पर। क्यों समाप्त किया गया, क्योंकि ये सातवीं मात्रा से शुरू हुआ था इसलिए इसको समाप्त करना छठी मात्रा पे ही बनता है। अब अंतरा चाहे गाने वाला नौवीं मात्रा से शुरू कर दे, अंतरा गाने वाला नौवीं मात्रा से शुरू भी करता है तो भी यह गायन हमें छठी मात्रा पे समाप्त करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें यह ध्यान रखना है कि अब पूरा बनाने के बाद आप इसको चेक कीजिए, इसमें कहीं रे और पे का प्रयोग तो नहीं है। रे और पे इसमें नहीं है क्योंकि रे और पे राग मालकोस में आरोह अवरोह में पूर्णतया वर्जित होते हैं। गय धनी कोमल है, चेक कीजिए इसमें गय गय नी धय नी, ये इसमें सारे सभी कोमल स्वर प्रयोग किए गए हैं। धय धय नी, इसमें रे और पे का प्रयोग नहीं होना, और गय और धय का प्रयोग किया जाना है। गय धनी तीनों स्वरों का एक कोमल स्वर होता है। इस राग का गायन वादन का समय मध्य रात्रि का होता है। इसको आप और अच्छा सा बनाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से कंप्लीटली इसको कवर अप कर दे, बंद कर दे इसको, ताकि ये अच्छा लगे। और यहाँ ये लिखना जरूरी है कि क्या है, ये सथाई है। साथ में ये गाने के बोल, इन गाने के बोलों को इन इन स्वरों पे उच्चारण किया जाता है, और सातवीं मात्रा से शुरू करना छठी पे समाप्त करना। जिस मात्रा पे जो बोल है और जिस मात्रा पे जो स्वर है उसी स्वर का प्रयोग करना अति आवश्यक होता है, तभी तो ख्याल ध्रुपद धमार गाने इतने आसान नहीं होते, क्योंकि ये नियमों में बंधे हुए हैं। इसलिए इस रचना को कहते हैं नियमबद्ध, ये निबद्ध गान है। ये निबद्ध गान क्यों होंगे कि नियमों में बंधा हुआ है, कठोर नियमों में बंधा हुआ है। कैसे बंधा हुआ है, तेरहवीं मात्रा पे नी कोमल नी आना चाहिए, और साथ में मंद्र सप्तक का नी आना चाहिए, और साथ में यहाँ पे आ की आवाज होगी ओ की, जैसे मो ओ, तो ये आवाज यहाँ तक आए। और चौदहवीं मात्रा पे ये सा है तो नीचे ये रे स्वर, ये रे ही इस दोहे की लाइन होनी चाहिए, अर्थात जिस मात्रा पे जो ये दोहे की लाइनें लिखी हुई है ये एज इट इज होनी चाहिए गाने में भी और साथ में बजाने वाला। और यहाँ खाली से अंतरा इसका खाली से स्टार्ट किया जाता है, वह इसलिए ये एक नियमों में बंधी हुई बंदिशें हैं। इसलिए बंदिश का मतलब जो रचना जो गायन नियमों में पूर्ण रूप से शास्त्र के जो नियम होते हैं उनके ऊपर बंधा हुआ हो उसे निबद्ध गान कहा जाता है। द्रुत ख्याल ये भी निबद्ध गान के अंतर्गत ही आता है। इनको बड़े रियाज के साथ बड़ी तैयारी के साथ इनको गाया बजाया जाता है। आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको मैं स्वरों के द्वारा इनको बताने की कोशिश करूंगा कि ये अपने हारमोनियम में या सेंथेसाइजर में किन किन स्वरों पे कैसे इसको बजाया जाता है, और कैसे स्वर इसके ऊपर एडजस्ट किया जाता है, और क्या इसमें कौन सी ताल, ये ताल साथ में। तो
तो आज का ये राग मालकोश कस्थाई तैयार हो गया। आप इसको ही पूरे ढंग से बोल बोल के साथ में सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो ये हमें याद हो जाएगा। धन्यवाद।